तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Realme CE53। इसके अंदर आपको काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी ट्रिक्स बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी इसकी मत करना, आपको काफी फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो आपको पता होगा आप यहाँ से इन दोनों बटन से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। और मैं आपको एक और फीचर बता देता हूँ, आप यहाँ से थ्री फिंगर से भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक फीचर्स आपको और बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे ये गैलरी वगैरह है, आप यहाँ से इनको ऐसे करोगे तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप इनके ऊपर टच करोगे जैसे तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट और आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात करते हैं। अगले फीचर्स के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप दो ऐप एक ही साथ में यूज करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप अगर दो ऐप एक साथ में चलाना चाहते हो वो कैसे चला सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना है, उसके बाद में YouTube पे आप क्लिक करके रखना है और यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे गैलरी को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए दोनों ऐप एक साथ में आप यूज कर पाओगे, तो कुछ इस तरीके से दोनों ऐप आप एक साथ में चला सकते हो। दोस्तों यार इसके लिए लाइक तो बनता ही है। अगले फीचर्स के लिए आपको फिर से सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको ऑन कर ले। मेरे पास अभी ये ऑन ही है तो आप यहाँ से आकर इसको ऑन कर ले ताकि आपके पास यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आए वो उसके आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन कब आई थी। और अगले फीचर्स के लिए आपको यहीं पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा मिनी कैप्सूल, यानी आपको पता होगा यहाँ पे आईफोन वगैरह के अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड मिलता है, तो इसके अंदर भी आपको एक मिनी कैप्सूल का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से मिनी कैप्सूल का भी ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, तो इसको यहाँ से आप आकर ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। तो अगले फीचर्स के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अबाउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रैम का, यानी आपको पता होगा आपकी 4 GB रैम है और आप बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है और यहाँ से इस लाइन को कुछ इस तरीके से करना है तो आपकी जो रैम है वो यहाँ से बढ़ जाएगी, आप यहाँ पर आके बढ़ा सकते हो। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको आगे बताता हूँ, उसके लिए आपको करना है सेटिंग के अंदर आना है और नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एड टेक्स्ट लॉक स्क्रीन, यानी आप अपनी स्क्रीन पर जो भी लिखना चाहो वो यहाँ से आकर लिख सकते हो और यहीं से आप बैक आओगे तो इसी के नीचे आपको स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप अपनी स्क्रीन को कितनी देर तक रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 30 मिनट रखा है, आप जितनी आपके पास अभी 30 या 15 सेकंड होगी तो यहाँ से आप 30 मिनट तक कर सकते हो ताकि अपनी स्क्रीन जो है अपने आप बंद ना हो 30 मिनट तक। और यहीं पर ही आपको एक डार्क थीम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप अपने मोबाइल को पूरा ब्लैक करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो, इसको आपको ऑन कर लेना है यहाँ पर आकर। यहाँ पे देखो मैं ऑन करके दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है, तो जो भी आप ब्लैक करना चाहो यहाँ से आकर कर सकते हो ताकि अपनी आंखों पर जो है इफेक्ट ना पड़े और आपकी आंखें खराब ना हो। और यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का, यानी आप अपने टेक्स्ट वगैरह को बढ़ाना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो आपके टेक्स्ट वगैरह हैं वो यहाँ से बड़े हो रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आप जितना बड़ा करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपकी डिस्प्ले साइज है वो भी आप बड़े छोटे करना चाहो तो यहाँ पे ये देखिए जो भी आप करना चाहो वो यहाँ से आकर आप कर सकते हो। यहीं पर ही आपको एक नाइट लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप रात को मोबाइल ज्यादा यूज करते हो तो इसको ऑन जरूर कर लेना ताकि आपकी आंखें खराब नहीं होगी और इससे आपकी आंखों पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, यानी कलर टेम्पलेट, यानी आप अपनी स्क्रीन को कलर करना चाहते हो कैसा कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाए, जो भी आप रखना चाहो यहाँ से रख सकते हो और अपने मन पसंद का कलर करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। आपको 3 ऑप्शन भी मिलता है तो जो भी आप कलर करना चाहो यहाँ से देखिए, ये देखिए जो भी आप कलर करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो और आप अपना जो मन पसंद का है वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। और यहीं पर आपको स्क्रीन रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन जो रोटेट हो जाएगी। और यहाँ पर एक नीचे और ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यानी आपको पता होगा आपकी जो मोबाइल की रिफ्रेश रेट है वो 60 आ जाए तो यहाँ पर आकर आप 60 कर लीजिए, आपको आप जब भी चलाओगे आपको बहुत मजा आएगा और अपनी जो स्क्रीन है वो काफी स्मूथ चल पाएगी। तो चलिए दोस्तों अब अगले फीचर्स की बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉलपेपर, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको फोटो वगैरह लगाना चाहो तो वहां से भी आप लगा सकते हो और यहाँ पर आपको कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप इनकी कलर करना चाहते हो तो ये देखिए कलर में भी करना चाहो तो यहाँ पर कलर कर सकते हो और बेसिक कलर करना चाहो तो यहाँ पे बेसिक भी आप कलर करना चाहो तो ये देखिए ग्रीन, जो भी कलर करना चाहो वो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक थीम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, UI का कलर ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए
आपके ऐप वगैरह हैं वो देखिए कुछ इस कलर में हो चुके हैं। तो जो भी आप यहाँ से कलर करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो, और ब्लैक करना चाहो तो यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें यहीं पर आपको यहाँ पे जो वाईफाई वगैरह अभी ये इस कलर में, आप इनका भी कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जिसमें ग्रीन करना चाहूँ तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीन हो चुके हैं। तो जो भी आप कलर करना चाहो यहाँ पर आकर कर सकते हो। और दोस्तों अगले फीचर्स की बात करते हैं, उसके लिए आपको करना है कैमरा सेटिंग की बात करते हैं हम। तो कैमरे के अंदर आपको जाना है, और जब भी आप फोटो क्लिक करो ना तो आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक मत करना, आपको इधर आना है और यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आकर आपको क्लिक करना है ताकि आपका जो फोटो है वो 108 मेगापिक्सल से क्लिक होगा। आपको पता होगा इसका जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल है, तो यहाँ पर आकर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर आपको एक मोर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप मोर के ऊपर आकर देखो तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपके पास कोई भी आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हो यहाँ से स्कैन कर सकते हो, और अगर फोटो है आपके पास तो यहाँ से फोटो लेकर भी आप क्यूआर कोड को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मोर के अंदर आपको भी और काफी सारे ऑप्शन, जैसे फोनो का है आपको एक बहुत बड़ा फोटो लेना है एक ही फोटो के अंदर, तो यहाँ से आप जितना बड़ा फोटो लेना चाहो वो यहाँ से ले सकते हो। और यहीं पर आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पर्क ऑप्शन मिल जाएगा, सोलो मोक ऑप्शन मिल जाएगा, टाइम, तो जो भी आप करना चाहो यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले फीचर्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिजिटल वेलबींग एंड पेडेस्ट्रियन कंट्रोल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको बताएगा कि आप दिन में कितनी देर तक अपने मोबाइल को यूज करते हो। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ 1 घंटा और 11 मिनट यूज किया है, और 7 बार मेरे पास नोटिफिकेशन आए, 34 बार मैंने अपने मोबाइल को अनलॉक किया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हो आपने क्या क्या यूज किया है, और यहाँ पर आप एक दिन का नहीं पूरे 1 महीने का भी यहाँ पे यूज देख सकते हो आप क्या क्या यूज करते हो। तो मैंने यहाँ पे 48 मिनट आप देख सकते सेटिंग यूज किया, 12 मिनट यूट्यूब यूज किए, तो आप जाकर देखिए आप क्या क्या यूज करते हो, और अपने दोस्तों का भी जरूर देखिए। तो दोस्तों आपको ये फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।